भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आज सुबह सुबह ही अपना एक गाना लेकर आए, महादेव का दीवाना। जी हाँ, जिसके ऑडियो रिलीज ने काफी तहलका मचाया था और अब वीडियो रिलीज भी मचा रहा है। जी हाँ, वीडियो रिलीज कर दिया गया है और बम्पर ओपनिंग मिली है। 4 घंटे में तकरीबन 4.5 लाख व्यूज आए हैं, 60,000 लाइक्स आई हैं और आपको बता दें कि 3,000 डिसलाइक्स भी आए हैं। जी हाँ, पवन सिंह को नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं, आपको तो पता ही होगा कि उन्हें डिसलाइक्स करने वाले लोग कौन होंगे। इस गाने में पहली बार पवन सिंह के साथ नजर आएंगी अनीशा पांडे, जिसे आपने हाई हील्स की सैंडल, जो कि खेसारी लाल यादव के ज़्यादातर गानों में नज़र आती हैं, आपने उसमें उनको देखा होगा। लहंगा लखनऊआ याद ही होगा आपको, आपको ये उसमें भी नज़र आई थी, लेकिन ये पहली बार पवन सिंह के साथ नज़र आ रही हैं और लोगों को इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके पहले पवन सिंह डिम्पल सिंह के साथ नज़र आए थे, जो गाना आजकल ब्लॉकबस्टर हुआ है। जी हाँ, पवन सिंह का वो गाना मीठा मीठा बात है कमरिया, जिसने 50 मिलियन व्यूज एक महीने के अंदर क्रॉस किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह के इस वीडियो सॉन्ग का सभी को इंतज़ार था। वैसे इससे पहले जब ये ऑडियो रिलीज हुआ था इस सॉन्ग का, तो ये विवाद उठा था कि ये वल्गर है, सोना बाबू का क्यों इस्तेमाल किया गया है महादेव के गाने में। लेकिन जब लोगों ने सुना तो लोगों को लगा कि नहीं, किसी और पर्पस से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भाई जो भक्त है वो इस वक्त सावन के महीने में पूरे महीने अपने ईश्वर के प्रति समर्पित है, उसे सोना बाबू कुछ नहीं सुनना है। तो लोगों ने बाद में इसे पसंद भी किया। वैसे आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह के इसी गाने के साथ खेसारी लाल यादव का गाना महादेव खेले पबजी भी रिलीज हुआ था, लेकिन लोगों ने थोड़ा उसे क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि महादेव के पास ऐसा थोड़ी है कि कोई काम नहीं है और महादेव पबजी खेलने लगे। खैर, वैसे हम आपको बता दें कि ऑडियो भी इसका काफ़ी बेहतरीन रहा है, अब वीडियो भी आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। और पहली बार अनीशा पांडे और पवन सिंह की जोड़ी आ रही है, जो लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, काफ़ी फ्रेश लगेगी। वैसे डिम्पल के साथ भी पवन सिंह की जोड़ी काफ़ी फ्रेश लगी थी और अब अनीशा पांडे के साथ भी उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। अनीशा पांडे को तो आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर खेसारी और रितेश के साथ नज़र आई हैं, वो पहली बार पवन सिंह के साथ नज़र आ रही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।